नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आफरीन, आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने दो रूसी सिफारतकारों को बगैर वजाहत के मुल्क बदर किया। अमेरिका में रूस के सफीर एनाटोली एंटोनोव ने एक बयान में दी इतला। दहशतगर्द गजा से इसराइल में कर रहे हैं दरअंदाजी, इसराइल की दिफाई अफवाज का बयान। कनाडा के शिलीवीक शहर की हवाई अड्डे के करीब तैयारा हादसे का शिकार, तैयारे के हादसे में 3 अफराद हलाक। एशियाई खेलों में हिंदुस्तान ने जीता 100वां तमगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमगा जीतने पर खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। गरीबों और मजदूरों को मिलेगा 5 रुपए में खाना, मोबाइल किचन मरकज को झंडी दिखाने के बाद मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। शिवराज सिंह के वायरल बयानात पर कमलनाथ का तंज, कहा रियासती बीजेपी में मायूसी अपने उरूज पर। हैदराबाद के नेहरू जू पार्क को आलमी सतह के पार्क की तर्ज पर दी जाएगी तरक्की, जू पार्क को ये डायमंड जुबली तकरीब के मौके पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का बयान। और अब खबरें तफसील से। अमेरिका ने बगैर किसी वजाहत के दो रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है। यह इतला अमेरिका में रूस के सफीर एनाटोली एंटोनोव ने एक बयान में दी है। रूस के वजारत खाजा के एक जराये ने जुमा को तस्दीक की है कि अमेरिका ने दो रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला किया है। उन्होंने इस फैसले को बेबुनियाद करार दिया। मिस्टर एंटोनोव ने कहा कि तस्दीक कर सकता हूं कि चंद रोज कबल अमरीका हुकाम ने वाशिंगटन में रूसी सिफारतखाने के दो सिफारतकारों को नापसंदीदा अफराद करार दिया था। अगरचे ये हैरान कुन है, उन्होंने कहा कि निकाले जाने पर नोट पेश करते हुए महकमा खारजा के मोइनीन ने हमें यकीन दिलाया कि इनका इस मामले की प्रेस के साथ तफसीलात शेयर करने का कोई इरादा नहीं था। इसराइल के दिफाई अफवाज आईडीएफ ने हफ्ते को कहा कि दहशतगर्द गजा पट्टी से मुल्क में दरअंदाजी कर रहे हैं। आईडीएफ ने ट्विटर पर कहा कि दहशतगर्द गजा पट्टी से इसराइल में दाखिल हुए हैं, सरहदी इलाकों के मुकामी बाशिंदे अपने घरों में दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं। इससे कबल इतलात में कहा गया था कि तेल एबेब में सायरन बज रहे थे क्योंकि गजा पट्टी से इसराइल की जानिब मुत्तदिर रॉकेट फायर किए गए थे। इसराइली फिजाई दिफाई निजाम शहर पर सख्त निगाह रखे हुए थे। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के चिलीवीक शहर के हवाई अड्डे के करीब एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह होने से 3 अफराद हलाक हो गए हैं, मुकामी पुलिस ने इत्तला दी है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाइपर PA-34 सैनिका, जो कि एक जुड़वा इंजन वाला हल्का तैयारा था, मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे 2100 GMT हवाई अड्डे से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर एक मोटर के साथ करीब गिर गया। हादसे में पायलट समेत तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए हैं। इस दौरान कनाडा के ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तफ्तीशकारों को मुकर्रर किया गया है। मुकामी हुक्काम ने अभी तक हलाक होने वालों के नाम जारी नहीं किए हैं। मशरिक़ लेबनान की वादी बेका में वाक़े एक जेल में आग लगने से 3 कैदी हलाक और 16 जख्मी हो गए हैं, खबर रसां एजेंसी ने इतला दी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आग कई कैदियों ने लगाई थी। कैदी मौजूदा माली बहरान के दरमियान जेल में हालत जिंदगी के खराब होने की वजह से वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। शुरू शहरी दिफाई की टीमों और
रैपिड क्रॉस के अमले ने मुदाखलत की है और जख्मी कैदियों को करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया है। जेल की इमारत के इर्द गिर्द फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया था, जहां 650 के करीब कैदी रखे गए हैं। लेबनान के वजीर दाखिला बासिम मौलवी ने बेका के गवर्नर कमाल अबू जावेद को वाकियात पर नजर रखने, खास तौर पर कैदियों के निकलने और जख्मियों के इलाज की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। शुमाल मगरबी अफगानिस्तान में सनीचर को जलजले के झटके महसूस किए गए। जीएफजेड जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस ने बताया कि जलजला 6:41 जीएमटी पर आया। रेक्टल स्केल पर इसकी शिद्दत 6.2 दर्ज की गई है। जलजले का मरकज 10 किलोमीटर की गहराई में 34 डिग्री शुमारी अर्ज बलत और 62 डिग्री मशरकी तूले बलत पर वाक़ था। नेपाल में सनीचर के रोज जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जीएफटी जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस ने बताया कि 600 जीएमटी पर आए जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.1 दर्ज की गई है। जलजले का मरकज 10 किलोमीटर गहरी खाई में 29 डिग्री शुमारी अर्ज बलत और 81 डिग्री मशरक़ तूले बलत पर वाक़ है। हिंदुस्तान ने हफ्ते को यहां एशियाई खेलों में खवातीन की कबड्डी में तलाई तमखा जीतकर तमखों की तादाद 100 तक पहुंचा दी है। हिंदुस्तानी खवातीन की कबड्डी टीम ने आज यहां जयावशान ग्वाली स्पोर्ट्स सेंटर में एशियाई खेल 2023 के फाइनल चांजेस ताइपे के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले में 25-26 से तलाई तमखा जीता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के 100वीं तमखा जीतने को एक अहम कामयाबी करार दिया है और खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हिंदुस्तान के लोग बहुत पुरखुश हैं, हम 100 तमखों की शानदार कामयाबी तक पहुंच गए हैं। मिस्टर मोदी ने कहा कि मैं अपने खिलाड़ियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, जिनकी कोशिशों से हिंदुस्तान ये तारीखी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा कि हैरान कुन कारकर्दगी ने तारीख रकम की है और हमारे दिलों को फख्र से भर दिया है। मोदी ने कहा कि 10 तारीख को अपने एशियाई खेलों के दस्ते की मेजबानी करने और अपने खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने का मुंतजर हूं। बड़े आजम मुकाबले की तारीख में खवातीन की कबड्डी में यह हिंदुस्तान का तीसरा तलाई तमखा है। हिंदुस्तानी खवातीन की कबड्डी टीम ने 2010 ग्वांगझो और 2014 कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में तलाई तमखा जीते थे और 2018 जकार्ता गेम्स में रनरअप रही थी। चेन्नई ताइपे ने हाइंगोज में कबड्डी के अपने 2018 जकार्ता के कांसी के तमखे को चांदी में तब्दील कर दिया है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां मोबाइल चलते फिरते किचन स्कीम का आगाज किया है, जिसका मकसद मध्य प्रदेश में गरीबों और मजदूरों को 5 रूपये में पेट भर खाना फराहम करना है। सरकारी जनाए के मुताबिक चौहान ने दीनदयाल रसोई योजना के तहत चलते फिरते किचन मरकज की शुरुआत की है। उन्होंने मोबाइल किचन मरकज को झंडी दिखाकर रवाना किया। दीनदयाल रसोई योजना के तहत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंदौर में 10 लाख से ज्यादा की आबादी के साथ 4 मोबाइल किचन सेंटर शुरू किए हैं। 3 भोपाल में और 2 जबलपुर में गोलियार में हैं। इस मौके पर चौहान ने अपने खिताब में कहा कि गरीबों की खिदमत इनकी अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में दीनदयाल मोबाइल किचन स्कीम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि स्कीम मजदूरी या दिगर वजूहात से शहरों में आने वाले गरीब बहन भाइयों को 5 रूपये में पेट भर खाना फराहम करने के मकसद से शुरू की गई है। इसकी खास बात यह है कि गरीब आदमी खाना लेने किचन में नहीं जाएगा, बल्कि मोबाइल किचन गरीब आदमी तक पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में दिए गए बयानात के दरमियान कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने तंज किया है और आज कहा कि रियासती बीजेपी में मायूसी अपने उरूज पर है। रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ ने सोशल मीडिया के एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, मध्य प्रदेश बीजेपी में मायूसी अपने उरूज पर है। पहले वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना बंद कर दिया और इन्हें वज़ीर आला की दौड़ से बाहर कर दिया। इसके जवाब में वज़ीर आज़म पर दबाव डालने के लिए पहले वज़ीर आला ने अवाम से पूछना शुरू किया कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं। अब वो बराह रास्त पूछ रहे हैं कि मोदी जी को वज़ीर आज़म बनना चाहिए या नहीं।
पीएम और सीएम की लड़ाई में बीजेपी के दरमियान जंग होना यकीनी है। जिनको टिकट मिला वो लड़ने को तैयार नहीं और जो टिकट की दौड़ से बाहर हैं वो सबसे लड़ रहे हैं। मिस्टर चौहान ने जुमा को डंडोरी जिले के मुनाकिदा एक अवामी प्रोग्राम में अवाम से पूछा, मैं अच्छी हुकूमत चला रहा हूँ या बुरी, मामा को वजी आला बनना चाहिए या नहीं, रियासत में बीजेपी की हुकूमत आनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा गुज़िश्ता 3-4 दिनों में अपने आबाई इलाके बढ़नी के अलावा बरहानपुर और सहवार के जलसों में भी आवाम से जज्बाती अंदाज में खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं चला गया तो मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं, मैं यहां से लड़ूं या नहीं। मिस्टर चौहान के ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सियासी मुबसरीन भी इनके अपने अंदाज में तशरीह करने की कोशिश कर रहे हैं। चौहान रियासत में 15 साल से ज्यादा अरसे से वज़ीर आला रहे हैं और तकरीबन 20 साल से बीजेपी हुकूमत में है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सरहुआ इलाके में एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 8 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें से बाद में 3 की हालत हॉस्पिटल में मौत वाकई हो गई। इत्तला के मुताबिक दरमियानी शब डोडा के सरहुआ इलाके में उस वक्त सनसनी का माहौल देखा गया जब एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 8 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और मुकामी लोग जाए मौके पर पहुंचे और जख्मियों को तिब्बी इमदाद की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां पर 3 मजदूर जिनकी शनाख्त मणि कुमार वल्द दियाराम, लालचंदा वल्द जामत राम साकिनान सरहुआ और किरणजीत सिंह वल्द साहब चरण के बतौर की गई है। जख्मियों की ताब नाला कर चल बसे। जख्मियों की पहचान संजय कुमार वल्द जामत राम, मनजीत सिंह वल्द प्रेमलाल, खुशहाल कुमार वल्द कोंग लाल, मंटू कुमार व बलक राम और सुनहोर लाल वल्द चीनी लाल साकिनान डोडा के तौर पर की गई है। दरअसना पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने शहर हैदराबाद के मशहूर नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आलमी सतह के पार्क की तरह तरक्की दी जाएगी। उन्होंने जू पार्क की डायमंड जुबली तकरीब में शिरकत की और ऑनलाइन टिकट सर्विसेज का आगाज भी किया। डायमंड जुबली के मौके पर डायमंड जुबली यादगार और सेंटर फाउंटेन की नकब कुशाई की गई। वजीर मौसूफ ने 2 बंदरों और 2 सफेद शेरों को इंक्लूज में छोड़ा। बाद अजां वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने चिड़ियाघर के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले अमले को एजाज से नवाजा। जिले खम्मम के लकराम टैंक बंड में मेघा ड्रोन शो मुनाकिद किया गया। इस मुतासिर कुन शो को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा थी। 400 ड्रोन्स के जरिए किए गए लेजर शो में शहरी महफूज रहे और रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बाद पहली बार लंगराम टैंक बैंड में बनाए गए एनटीआर पार्क में ये शो दिखाया गया, जिसमें शहरियों का काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। दिखाया गया है कि इन ड्रोन्स में रियासत तेलंगाना, अम्बेडकर मुजस्मा, जय तेलंगाना, जय मुनाजिर मुतासिर कुन थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस ड्रोन शो के जरिए खम्मम की अवाम के लिए ड्रोन शो की ख्वाहिश पूरी हो गई है। शहर हैदराबाद के केपीएचबी मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकार वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने कहा कि इस वाकये में फर्नीचर की दुकान, गिफ्ट्स की दुकान और दीगर दुकानात जो इस इमारत में थी जलकर खाकिस्तर हो गई। कुकटपल्ली, जीडी मेटला, सनत नगर और माधापुर के फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। मेडचल मलकाजगिरी जिले के केसरा मंडल मुस्तखर के करीब पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। केसरा पुलिस ने बताया कि हादसा ललिता कन्वेंशन हॉल के करीब आज सुबह उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और यह कार सड़क के किनारे दरख्त से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की निशानदेही हरिप्रिया
रोबिना फिलिप्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। महलुकीन का ताल्लुक अलवाल के लोतट कुंटा से है, जिनकी शनाख्त भाविश त्रिशा के तौर पर की गई है। ये अफराद केसरा से अलवार की सिमत जा रहे थे कि हादसा पेश आया। इख्तिताम से खबर, एक नजर हेडलाइंस पर। अमरीका ने दो रूसी सिफारतकारों को बगैर वजाहत के मुल्क बदर किया। अमरीका में रूस के सफीर एनाटोली एंटोनोव ने एक बयान में दी इतला। दहशतगर्द गजा से इसराइल में कर रहे हैं दरअंदाजी, इसराइल के दिफाई अफवाज का बयान। कनाडा के चिलीवीक शहर के हवाई अड्डे के करीब तैयारा हादसे का शिकार, तैयारे के हादसे में तीन अफराद हलाक। एशियाई खेलों में हिंदुस्तान ने जीता 100वां तमगा, वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने तमगा जीतने पर खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। गरीबों और मजदूरों को मिलेगा 5 रुपये में खाना, मोबाइल किचन मरकज को झंडी दिखाने के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। शिवराज सिंह के वायरल बयानात पर कमलनाथ का तंज, कहा रियासती बीजेपी में मायूसी अपने उरूज पर है। हैदराबाद के नेहरू जू पार्क को आलमी सतह के पार्क की तर्ज पर दी जाएगी तरक्की, जू पार्क की डायमंड जुबली तकरीब के मौके पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही, दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।